सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। एक मर्तबा का वाकया है कि हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक जलसे में तशरीफ ले गए। आमतौर पे जलसों में हम लोग भी जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि माइक बिगड़ जाता है और जब माइक बिगड़ता है तो अक्सर मुकर्रर लोग हो, नातखा लोग हो, नाजिम लोग हो, अहले मिंबर हो या मजलिस के लोग हो, क्योंकि जब बात बहुत खूबसूरत चल रही होती है और जब माइक बिगड़ता है तो खलल वाकई होता है तो सबका टारगेट माइक वाला भैया हो जाता है, क्योंकि ची की आवाज आई, वो आई, सब एतराज करते, उसको घूर के देखने लगते हैं। लेकिन आगे हाफिज मिल्लत का अंदाज क्या था, अल्लाह अकबर, जैसे ही माइक खराब हुआ लोगों ने, मिंबर वालों ने और जमीन वालों ने माइक वाले को घूरना शुरू किया तो हाफिज मिल्लत ने कितना प्यारा जुमला फरमाया, इरशाद फरमाते हैं, अरे माइक बिगड़ा है, इसमें माइक वाले का क्या कसूर है, माइक मशीन है, मशीन बिगड़ी तो इंसान का क्या कसूर है। और फिर एक तारीखी जुमला फरमाते, फरमाया मशीन बिगड़ने से उतना नुकसान नहीं होता जितना इंसान के बिगड़ने से नुकसान होता है। अल्लाह अकबर, अंदाजा करें क्यों। अब उसकी तशरीह आप थोड़ा सा समझे, एक मशीन बिगड़ती है, वो मशीन दूसरी मशीन को नहीं बिगाड़ सकती, मगर एक इंसान बिगड़ता है वो पूरी काम को बिगाड़ देता। मशीन बिगड़े तो उतना नुकसान नहीं होता जितना इंसान के बिगड़ने से नुकसान होता। हुजूर हाफिज मिल्लत का अंदाज देखे, हम मशीनों के बिगड़ने पे नाराज हैं, हाफिज मिल्लत इंसानों के बिगड़ने की बात आप देखें तो सही, बिगड़ा हुआ इंसान बिगड़ी हुई मशीन को घूर के देख रहा है। अंदाजा तो फरमाएं, अंदाजा तो फरमाएं, मशीन के बिगड़ने पे हमको इतना गुस्सा है, हमारे बिगड़ने पे कुदरत कितनी नाराज होगी। आप अंदाजा करें, हम जो बिगड़ गए, हमारे अफकार जो बिगड़ गए, हमारे नजरियात जो बिगड़ गए,